न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मंडे के दिन सब कुछ बदलने वाला है। चैनल के लोगो, आर्ट, इंट्रो, मर्चेंडाइज, लाइट्स, बैकग्राउंड, अनबॉक्सिंग टेबल, इंप्रूवमेंट्स, क्वालिटी कंटेंट्स, सब कुछ होने वाला है। मंडे के दिन से होगा। सेलिब्रेशन भी थोड़ा डिफरेंट होगा, स्पेशल वीडियो होगा। टेक न्यूज जो आएगी उसकी बात कर रहा हूँ। स्टे ट्यून करना दोस्तों, बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूँ, जो उसके लिए आपका प्यारा सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। वैसे दोस्तों, आज तो बहुत ही गर्मा गर्म खबर है और बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आ गया हूँ। फाइनली कुछ अच्छी खबर आ रही है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो मेरी खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक ऐसे खतरनाक और एक ऐसी इंटरेस्टिंग खबर से, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी दोस्तों इतनी एडवांस हो गई कि मुझे लगता है सुनने के बाद शायद आप नहीं चौंकेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट तो था ही कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। साइंटिस्ट ने दोस्तों एक ऐसे रोबोट को बनाया है जिसमें हमें लिविंग सेल्स यहां पर जो वो देखने को मिलेंगे। जी हां, इनको लिविंग रोबोट्स का भी नाम दिया जा रहा है, जहां पर अफ्रीकन फ्रॉग के एम्ब्रॉयज से जो वो लिविंग सेल्स का इस्तेमाल किया है और वो इनमें लगाएंगे ताकि वो एक नए क्रिएचर की तरह काम करेगा। वैसे इनको जो है वो लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिजम्स का भी जो वो नाम दिया जा रहा है। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको सुपर कंप्यूटर से डिजाइन किया है और जो बायोलॉजिस्ट है वो उसको असेंबल्ड और टेस्ट भी करेंगे। इमेजिन, रोबोट्स में लिविंग सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगे चल के पता नहीं किस तरीके का काम लिया जाएगा। अब ये हम सभी ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि जब लिविंग सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद पता नहीं ये अपनी मर्जी से भी क्या क्या नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के सोचो दोस्तों ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे और किस तरीके की चीजों को डेवलप करेंगे। वैसे सुन के तो डर तो लग रहा है और अजीब भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है। और दोस्तों, अगर आप Realme C1, Realme 2, Realme 3 और Realme 3i इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों को जनवरी सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाला है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फेस मोड में सभी लोगों को मिल जाएगा। जो साइज है वो 2 GB के आसपास है, सबकी मैं अलग अलग बात कर रहा हूं, जिनमें बहुत सारे बग्स और उन्होंने फिक्स्ड किए, डार्क मोड टॉगल वगैरह के फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए, लॉक स्क्रीन में कुछ इंप्रूवमेंट्स करे और नोटिफिकेशन वगैरह की चीजों में उन्होंने कुछ चेंजेस किए, तो बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो आप जाइए, अगर आपके पास ये सारे फोन्स हैं तो आपको जनवरी का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहां पर मिलने वाला है। साथ में दोस्तों, Realme UI जो वो Realme 3 Pro में ऑफिशियल हो चुका है Android 10 के साथ में। अगर आपके पास नहीं है अपडेट तो आप उनकी कम्युनिटी पर जाइए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे इसके ऊपर एक वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। तो यहां पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये अमेरिका की चौथी ऐसी कंपनी बन जाती है जिनका जो मार्केट वैल्यू है वो $1 trillion पर जा चुका है। जी हाँ, आपको तो पता ही है, पहले एप्पल था, फिर अमेजॉन, फिर माइक्रोसॉफ्ट और अब फाइनली गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, जो $1 trillion यानी कि 70 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, कुछ वैसे ही होता है, अब मत भूल, कैलकुलेट मत करना। एनीवेज, यहाँ पर अल्फाबेट की तो हमें पता है, रिसेंटली सुंदर पिचाई को उन्होंने सीईओ बनाया था, तो वो गूगल और अल्फाबेट दोनों को देख रहे हैं, लेकिन ये गूगल के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लेके आ गया, और इस खबर से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि फाइनली फेसबुक ने डिसाइड कर दिया कि वो व्हाट्सएप में एड्स नहीं लगाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है कि व्हाट्सएप ने जो टीम लगाई थी इस एड्स पर काम करने के लिए, व्हाट्सएप में इंटीग्रेट करने के लिए, उनको डिसबैंड कर दिया है और जो कोड्स उन्होंने बनाए थे उसको भी जो वो निकाल दिया है। फाइनली एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसी रीजन से, इसी कॉन्ट्रोवर्सी से जो व्हाट्सएप के को फाउंडर थे, दो थे, उन्होंने क्विट कर दिया था, क्योंकि वो फेसबुक उन पर प्रेशर डाल रहा था व्हाट्सएप में एड्स लगवाने के लिए और वो नहीं अग्री कर रहे थे। और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि काफी सारे नेगेटिव जो लोगों के कमेंट्स गए होंगे और फीडबैक गया होगा उसको ध्यान में रखिए, व्हाट्सएप ने डिसाइड कर दिया कि हम व्हाट्सएप में एड्स नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार पोको की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं कोई लीक, कोई रूमर्स, कोई ऐसी उड़ती उड़ती बातें शेयर नहीं करूंगा। मैं आज ऑफिशियल बात करूंगा जो शाओमी के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने करी है पोको से रिगार्डिंग। सबसे बड़ी खबर यह दोस्तों कि पोको अब इंडिया में एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह काम करेगा। हमें बताया वो शाओमी का सब ब्रांड था। 2018 में जब पोको F1 आया था, जे मनी उनको लीड कर रहे थे, तब से लेकर अब तक हमें उसके बाद कोई नया फोन नहीं मिला, और आज भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बजट फोन्स के नाम से वो जाना जाता है। लेकिन अब दोस्तों पोको एक सेपरेट
इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह काम करेगा। 2020 में हमें बहुत सारे नए फोन पोको की तरफ से मिलने वाले हैं। वैसे सरप्राइज की बात नहीं, पिछले साल ही Xiaomi ने Redmi को सेपरेट कर दिया था, मतलब सब ब्रांड से हटा के इंडिपेंडेंट कर दिया था। अब पोको को भी उन्होंने इंडिया के लिए वैसे ही कर दिया है, ऑफिशियल हो चुका है, मतलब पोको एग्जिस्ट करता है ऑफिशियली, अब सेपरेट हो चुका है और बहुत सारे नए फोन हमें मिलने वाले हैं। वैसे उनका प्रोफाइल देखेंगे ट्विटर पर तो उन्होंने सब कुछ ब्लैक कर दिया था, हालांकि लोगों को पहले लग रहा था कि वो डेड हो गया है, लेकिन वैसा नहीं है, वो शायद एक नए लोगो पर काम कर रहे होंगे। और हाँ, उसमें कुछ हिडन ईस्टर एग था प्रोफाइल फोटो में, लोगों ने भेजा था फोटोज मुझे और ट्विटर पर भी डाला था, तो हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब वो सही है नहीं पता नहीं, लेकिन नया लोगो पर काम कर रहे हैं और उनकी इंडिया की नई वेबसाइट भी आ गई है पोको की। जी हाँ, तो ये भी कुछ यहां पर निकल कर आया। वैसे मुकुल शर्मा ने बहुत मेहनत करी इस पर, काफी सारे उन्होंने चीजें कंफर्म करी और मुझसे जब बात हुई थी उन्होंने कहा 3 फोन कंफर्म है पोको के जो इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं, शायद पोको जी सीरीज भी होगा, F2 भी आएगा, बहुत कुछ होगा। तो ऑफिशियल हो चुका है भाई, अब तो कमेंट करके अच्छे कमेंट कर लो कि पोको आ रहा है और क्या ख्याल है आपका, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल का जो A14 चिप आने वाला है इस साल हमें आईफोन्स में जो देखने को मिलेगा वो कोई मजाक नहीं है दोस्तों। बताया जा रहा है कि एप्पल का जो मैकबुक प्रो 15 इंच वाला है उसके जितना पावरफुल यहां पर हो सकता है, ऐसी लीक्स यहां पर निकल कर आ रही है। और ऑब्वियसली इसमें TSMC वाला हमें 5nm वाला ये प्रोसेसर मिलेगा, तो इससे भी पता चलता है कि ये काफी बैटरी एफिशिएंट और बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यहां पर जो वो देखने को मिलेंगे, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और इसका जो GPU होगा उसमें भी ट्रांजिस्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे इसके द्वारा, 50% परफॉर्मेंस आपको उसके प्रेडेसेसर से और अच्छी यहां पर देखने को मिलेगी। ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि एप्पल का जो A14 जो होगा वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिप मिलेगा हमें स्मार्टफोन के अंदर जो 2020 में हमें देखने को मिल सकता है। ये लीक आई है, ये स्पेक्स निकल कर आई है, जो आगे चल के हमें पता है जो सच होने वाली है। बहुत ही जबरदस्त है, दिल मेरा घूम रहा है एप्पल की तरफ, सच में इस साल में सोच रहा कुछ करूं, फोन्स अनबॉक्स करूं, चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है और ऑनर ने अभी रिसेंटली धमाल कर दिया था, ऑनर 9X, ऑनर मैजिक वॉच 2, ऑनर बैंड 5i लॉन्च करके हमने वीडियोस बनाई है, गिव अवेज किया है, जाके पार्टिसिपेट कर लेना। लेकिन 18 जनवरी से कल Amazon के जो प्राइम मेंबर्स है 12 बजे से उनके लिए सेल शुरू हो जाएगा ऑनर मैजिक वॉच 2 और बैंड 5i दोनों का। वैसे काफी सारे डिस्काउंट्स EMI वगैरह के ऑफर से, मैजिक वॉच 2 अगर आप लेंगे तो आपको फ्री ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी मिल रहा है, ऐसा भी बताया है। लेकिन 19 जनवरी से सभी लोगों के लिए 12 बजे से जो वो सेल शुरू हो जाएगा, 18 तारीख के लिए सिर्फ प्राइम मेंबर्स है और दोनों की मैं बात कर रहा हूं। और अगर फोन की बात करें 9X तो वो 19 जनवरी से शुरू होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पर जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्या मैं बताएगी दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटली ऑपरेटेड और प्रोग्रामेबल रोबोट कब आया था? ये आया था 1954 के अंदर, जिसको यूनिमेट का भी नाम दिया गया था। जी हाँ, तो आज की रेग्यूज से भी खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की रेग्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक्न्यूज लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए के साथ। टिल देन, ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ऐसे प्रोग्राम इन रोबोट्स को वैसे प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिजम्स का भी